बाबू गंगन कर लिया। अब बाबू कपड़ा पहनेगा, है ना? हाय बोलेगा? कैसे बोलेगा बाबू हाय? नहीं बोलेगा। चलो कपड़ा पहनते आ जाओ। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ मॉर्निंग की ड्यूटी, जो कि क्लीनिंग नहीं है, और मेरा अपना भी कोई वर्क मैं नहीं दिखा रही हूँ। मॉर्निंग के अदर रूटीन जो होते हैं, मैं वो आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो मैंने बच्चों को जो मॉर्निंग की होती है दूध और फ्रूट वगैरह, वो सब मैंने इन सबको दे दिया है। वो सब मैंने काट लिए थे, वो मैं आपको अभी दिखा रही थी क्लिप वगैरह। और अभी मैंने दोनों बच्चों को नहा लिया है, और नहा के दोनों को एक साथ ले आई हूँ। छोटे बच्चे को मुझे नहाना पड़ता है, और ये देखिए दोनों बैठ गए हैं खेलने के लिए। चलो हाय बोल दो। हाय। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। चलो अपना अपना काम करो। कौन खेल रहा है? ये हम। और वो आप क्या कर रही हो? प्रज्ञा रानी दिखाओ। अच्छा चलो मैं जाऊं। फिर उसके बाद मैं बच्चों को खेलने और वो पढ़ रही थी मेरी बेटी, उसको दोनों को मैंने छोड़ दिया है थोड़ी देर के लिए। दोनों खेलेंगे और पढ़ेंगे, आपस में खेलते हैं वो दोनों। तो थोड़ी देर मैं किचन में आके काम कर लेती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप कि मैं किचन में आ गई हूँ, और किचन में आते ही मेरी जो ड्यूटी है वो चालू हो गई है। लेकिन फिर भी मैं आपको ब्रेकफास्ट की रूटीन नहीं दिखाऊंगी, उसके अलावा जो मैं काम करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ दूध बॉयल करने के लिए रख दिया है, और ये गोल्ड वाली दूध मैं आज लाई हूँ, जो कि मुझे दही जमाना है। दही घर में ख़त्म होने वाले हैं, तो इसलिए मैं मुझे आज ये दम जमाना था, तो मैंने गोल्ड की दूध अलग से लाए हैं दही जमाने के लिए। दही जमाने के लिए मैं गोल्ड का दूध ही यूज़ करती हूँ। तो ये मैं कट करके दूध को सबसे पहले बॉयल करती हूँ, और सबसे पहले अच्छे से दूध को बॉयल करने के बाद और उसको ठंडा करने के बाद इसमें आप दही जमाएंगे। तो दही मेरे घर में फेवरेट है सबका, सब बच्चों को पसंद है, यहाँ तक कि छोटे बाबू को भी दही बहुत पसंद है। तो जब भी वो खाने की इच्छा नहीं करता है या उसे कुछ खाने का मन नहीं करता है, तो मेरे पास अगर दही रहता है तो दही के कुछ बना के या फिर वैसे ही दही मैं उसको थोड़ा बहुत खिला देती हूँ, तो फिर थोड़ी देर वो चुप हो जाता है। और अभी आप देख रहे थे कि सामने में मैंने और दूध रखे हैं जो कि हम लोग खाते हैं, उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ। तो ये काव के दूध हैं, और यही काव के दूध जो है सब मैं अपने छोटे बाबू को देती हूँ आप पीने के लिए। तो इसलिए हम लोग भी यही पीते हैं और खाते हैं, या फिर चाय में यूज़ करते हैं, और बाबू भी पीता है। तो बस इसे भी मैंने काट के चढ़ा दिया है, और दोनों दूध साथ में बॉयल्ड हो जाएंगे, क्योंकि दूध का क्या है, जब भी आप थोड़ा सा पलक पकाओ तो वो फट से गिर जाते हैं। और अभी देखिए बाबू मेरे गोदी में आ गया है, उसे खेलते खेलते मन नहीं लगा, और ये मेरी दूध चढ़ी हुई थी तो मैं थोड़ी देर नहीं गई उधर। तो बाबू इधर ही आ गया देखने के लिए कि मम्मी कहाँ है। तो दूध बॉयल जब भी करें, आप ये टिप्स है कि आप उसको दो तीन बॉयल्ड आने दें, और इसके लिए आप चम्मच से या किसी भी कड़छी से आप उसको हिलाते रहें। तो ऐसे दूध बॉयल करने से क्या होता है, वो बहुत देर तक फटता नहीं है, आप बहुत देर तक बाद भी उसको बॉयल कर सकते हैं सेकेंड टाइम। और अगर दही जमाने के लिए आप इस तरह से करते हैं तो दही भी बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर जमता है। और यहाँ मैं दही जमाने के लिए दूध डाल रही हूँ। दही जिसमें मैं जमाती हूँ उस भगोने में मैंने दूध को डाल दिया है, और उसके बाद मैं इसमें अब दही डालूंगी। तो मैंने उसको चेक कर लिया है दूध को कि कितना गर्म है, और यहाँ पर मैं 1 स्पून कर्ड जो है सो डाल रही हूँ। आप इसको इस तरह से मिला दीजिए, और अगर आपको ज़्यादा खट्टा चाहिए तो आप 2 या 2.5 टेबल स्पून ले सकते हैं दही को, जिससे कि ज़्यादा खट्टे हो जाएंगे। और इस तरह से मैंने जमा दिया है। उसके बाद इस दूध को हमें ढक देना है, क्योंकि जब भी दही जमाने के लिए हम दूध में जोड़न बोलते हैं, हम लोग दही का कर्ड का जोड़न डालेंगे, उसके बाद हमें तुरंत ही इसको ढक देना पड़ता है, ताकि फिर वो उसकी जो बाहर की जो रहती है वातावरण वो उसमें ना आए और वो अच्छे से जम जाए। तो ये इसका नुस्खा है, ये इसका टिप्स है कि दही जमाने के
डालने के बाद इसको ढक दिया जाता है। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरी बेटी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो एग्ज़ाम में मेरी ही गार्डन की ड्यूटी लगी हुई है, गार्ड की ड्यूटी लगी हुई है, क्योंकि टीचर्स वगैरह सब ने कहा है कि पेरेंट्स बैठे रहेंगे और बच्चे लिखेंगे। तो मेरी बेटी के स्कूल में रिटन एग्ज़ाम चालू हो गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वो लैपटॉप पे एग्ज़ाम दे रही है और वो लिख रही है, सामने उसके पैड है, उस पर कॉपी रखी हुई है और लैपटॉप से क्वेश्चन देख के वो लिख रही है। और मेरी गार्डिंग ये है कि मैं चेक करती रहूँ कि वो कोई चीटिंग वगैरह ना करे या कुछ भी ना करे। तो ऐसा कहा गया है, टीचर ने कहा है कि गार्डिंग में पेरेंट्स ही रहेंगे क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है और घर पर हो रहा है, अभी लॉकडाउन के चलते सब कुछ बंद है। तो बस आज की ड्यूटी मेरी गार्डिंग की ड्यूटी है, स्कूल में गार्डिंग की ड्यूटी, स्कूल की गार्डिंग की एग्ज़ाम की ड्यूटी है, आप कुछ भी इसे नाम दे सकते हैं। तो ये देखिए, मैं अपना तब तक दूसरा काम भी कर लेती हूँ। मैं पेपर मुझे नहीं पढ़ी थी तो साथ साथ मैंने पेपर भी ले लिया है और मैं पेपर पढ़ रही हूँ। दिन भर में मैं कभी भी पेपर को देख लेती हूँ एक बार, क्योंकि जब तक पेपर देखती नहीं हूँ तब तक चैन नहीं होता है, कि ये एक आदत, एक रूटीन बन चुकी है। तो बस मेरा ये काम भी साथ में हो गया है, तो मैं अपनी बेटी को भी देख रही हूँ कि कैसे एग्ज़ाम दे रही है और साथ में मैं पेपर भी पढ़ाई कर रही हूँ। ये दिख रहा होगा आपको कि मैं कुछ बोल रही हूँ तो मैं उसे समझा रही हूँ कि बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह ही इसे एग्ज़ाम दो, जो क्वेश्चन थोड़े बहुत हिचकिचाहट वाली है तुम उसे बाद में भी लिख सकती हो, जब ये रिटन एग्ज़ाम है, क्वेश्चन दिख रहे हैं सारे, तो कोई बात नहीं, तुम आगे पीछे लिख सकती हो। तो जो पहले आता है उसको अच्छे से ध्यान से अच्छे हैंडराइटिंग में लिख लो और जो कम आते हैं उसको लास्टली लिख दो, जैसे कि हम एग्ज़ाम में लिखते हैं। तो बस यही मैं उसे टिप्स दे रही थी बैठे बैठे, क्योंकि वो मुझे पूछ रही थी कि ये थोड़े कम आते हैं तो मैं इसको बाद में लिखूं, तो वही सब बातें मैं उसको समझा रही थी, बीच बीच में कुछ पूछ लेती थी। तो बाकी तो खैर मुझे कुछ आता नहीं है, तो मैं उसको कोई टिप्स नहीं दे रही थी, अपना वो देख के चेक करके अपना लिख रही थी। तो ये देख सकते हैं मेरी गार्डिंग की ड्यूटी लगी हुई है। इसके साथ ही जो मेरे थोड़े बहुत काम थे, जो मैंने सारे कपड़े धोए हुए थे मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत सारे काम हो गए थे आज, स्पेशली सबको तैयार करना था और सबको टाइम पे है जो बिठाना था एग्ज़ाम के लिए और पढ़ने के लिए। तो आज मेरे हस्बैंड भी नहीं, ड्यूटी चले गए थे तो मुझे अकेले ही सारा करना था, तो इसलिए मेरे कपड़े जो मैं धोली हुई थी वो सारे पड़े हुए थे, सूखने के लिए मैं नहीं डाली थी, तो बस उन्हीं कपड़ों को मैं लेके आ गई हूँ अभी। और बीच में मैं थोड़ी देर वहाँ से उठ गई थी गार्डिंग से, और जो बर्तन वगैरह मैंने धो के सूखने के लिए दिए थे तो वो भी मैं यहाँ से क्लीन कर ली हूँ, हटा ली हूँ, और जो कपड़े थे मैं उसे ले आई हूँ और इन सब कपड़ों को मैं तार पे डाल रही हूँ। और सारे कपड़ों को आप अगर ठीक से फैला देते हैं ना, तो बस 3 से 4 घंटे में सब कपड़े सूख जाते हैं। तो बस मुझे कपड़े फैलाने में भी 10 से 15 मिनट लग जाता है, बहुत सारे कपड़े रहते हैं, तो मैं उसे ठीक से फैला देती हूँ ताकि वो जल्दी से 3-4 घंटे में सूख जाए। तो बस वही मेरा काम रहता है कि सारे कपड़ों को ठीक से फैलाना। तो ये देखिए कि मैं सारे कपड़ों को कितने तारों पे मैं फैला रही हूँ, इसीलिए मैंने ढेर सारे तार लगाए हुए हैं और ये कपड़े मैं दे रही हूँ सूखने के लिए। तो यहाँ मैंने सारे कपड़ों को फैला दिया है और थोड़ी बहुत क्लीनिंग मैंने नीचे कर दी है, क्योंकि बच्चे खेलते हैं तो थोड़े बहुत कचरे हो ही जाते हैं, और बाहर बालकोनी है तो अगर थोड़ी बहुत हवा चलती है तो थोड़ी बहुत धूल भी आ ही जाती है।
तो बस मैं उसे थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ, झाड़ू मार देती हूँ क्योंकि मैंने झाड़ू पोछा तो बाकी क्लीनिंग जो है मैंने मॉर्निंग में कर ही लिया था, फिर भी मैं मार देती हूँ। और ये मैं किचन में भी थोड़ा सा कुछ मैंने चढ़ा दिया है, और किचन का जो है सो लंच का खाना का जो मुझे बनाना था आलू परवल की सब्जी, तो वो आलू परवल की सब्जी देखिए मैं आपको कितनी बार दिखा चुकी हूँ तो मैंने आपसे तैयार नहीं किया। और ये मेरी टमाटर की चटनी है, तो अगर आप लोग कहें तो मैं इसे ज़रूर जो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये देखिए लगभग मेरी टमाटर की नमकीन चटनी जो है बनकर तैयार हो गई है। ये मेरे हस्बैंड की फेवरेट टमाटर की चटनी है, तो बस मैंने स्पेशली उनके लिए ये बनाया है और ये लगभग बनके तैयार हो गया है और मेरी सब्जी भी लगभग बनके तैयार हो गई है। तो लंच का मेरा सारा काम अब फिनिश हो चुका है। ये मेरी सब्जी रही और ये मेरी चटनी, मैंने इसे निकाल लिया है कटोरे में, और सारे जितने भी बर्तन थे मैंने साथ में उनको क्लीन कर लिया है, क्योंकि साथ में क्लीन करने से पता है कि मेरे काम थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों का घर है तो बहुत सारे काम रहते हैं मुझे, और उसके बाद में फ्री हो गई। हेलो, वेलकम बैक। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अर्ली मॉर्निंग का जो रूटीन रहता है, मेरा काम का रूटीन रहता है, जो सब मैं काम करती हूँ, घर के जो क्लीनिंग वगैरह सब रहते हैं वो सब, उसके अलावे भी बहुत सारे काम रहते हैं, खाना बनाने, ब्रेकफास्ट लंच बनाने के अलावे भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो बस मैं वही शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और अभी ये सारे जो अदर वर्क रहते हैं मेरे खाना बनाने के अलावा, तो वो सब मेरे क्लीन हो चुके हैं। बस बीच में मैंने खाना भी बनाया है थोड़ा बहुत, तो बस वो काम भी क्लीन हो चुके हैं, सब काम हो चुके हैं। और अभी मैं आपको क्लिप दिखा रही थी कि बच्चों का एग्जाम चल रहा है तो कैसे मुझे मैनेज करना पड़ रहा है, उनके साथ भी बैठना पड़ रहा है, खुद हम गार्डनिंग कर रहे हैं तो स्कूल की गार्डनिंग के रूप में हम लोगों का जो है सो हो गया है, ड्यूटी लग गई है, रूटीन नहीं ड्यूटी लग गई है। तो स्कूल के गार्डनिंग की ये ड्यूटी कैसी लगी आपको तो बताइएगा जरूर, अगर वीडियो तो चलिए वीडियो कैसा लगा वो जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।